नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए कई वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें ये जाहिल गवार न सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं बल्कि डॉक्टरों के ऊपर पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि शाहीन बाग को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर इस वक्त पूरे भारत में जो है संक्रमण फैलता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग, आपको याद होगा शाहीन बाग में एक ज़ियादी भीड़ 100 दिनों तक बैठी थी और इस ज़ियादी भीड़ को कोरोना वायरस की वजह से उठा दिया गया था, इनके तंबू समेट दिए गए थे। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो शाहीन बाग को लेकर हुआ है। इस खुलासे ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की बल्कि शाहीन बाग में जो ज़ियादी भीड़ बैठ रही थी उसके भी होश उड़ा दिए हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये क्या कहूं, जाहिल गवार क्या इनको, कुछ नहीं, आप मतलब जानवर कह सकते हैं आप इन्हें, ये जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं, ये डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं। जो डॉक्टर और नर्सेज इस समय भगवान की भूमिका में हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर हमारा इलाज कर रहे हैं, भारत देश में कोरोना ना फैले इसके लिए वो अपने अपने घरों पर नहीं जा रहे हैं और उन्हीं डॉक्टरों पर ये थूकते हैं, ये पत्थर मारते हैं, क्या इन लोगों को जिंदा नहीं मार देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दीजिए। कोरोना से नहीं, ये कोरोना से बड़े खतरा इस वक्त हो चुके हैं इंडिया के लिए। फिलहाल आपको बताता हूं कि बड़ा खुलासा क्या हुआ है शाहीन बाग को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बना निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है और सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए कुछ लोग शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। जी हाँ, यानी तबलीगी जमात से, जैसा आप देख रहे हैं कि तबलीगी जमात में जो लोग इकट्ठा हुए थे दिल्ली के निजामुद्दीन में, वो देश के अलग अलग कोनों में गए और इनमें से अधिकतर लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। लेकिन बावजूद इसके बदतमीजी अभी भी जारी है, बेहूदगी अभी भी जारी है और फिर ये कहती हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। क्या खाक नागरिक हो तुम? तुम्हें तो जूते मारकर इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। न सिर्फ तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो बल्कि तुमने इस पूरे देश को इस वक्त खतरे में डाल दिया है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए ही कई लोग शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। दरअसल आपको बता दूं कि अंडमान के रहने वाले तबलीगी जमात के एक मेंबर ने जांच एजेंसियों को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे ये शक और भी गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात के इस मेंबर ने जांच एजेंसियों को बताया है कि उसने 18 मार्च को शाहीन बाग का दौरा किया था। यानी तबलीगी जमात का ये मेंबर शाहीन बाग गया था 18 मार्च को। शाहीन बाग के बारे में आपको बता देता हूं, शाहीन बाग आपने सुना ही होगा, आप पूरी तरीके से जानकार होंगे शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग से रिपोर्टेड कई रिपोर्ट्स हमने भी हम आप तक लेकर आए थे। शाहीन बाग वही जगह थी जहां पर दिल्ली के इस रास्ते को एक ज़िहादी भीड़ ने 100 दिनों तक बंद करके रखा हुआ था, बजाय इस परवाह के कि कितने लोग को परेशानी होगी। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे और इस विरोध के ड्रामे की आड़ में इन्होंने शाहीन बाग को बंद कर दिया था। लेकिन अब होश उड़ते जा रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग का दौरा किया था तबलीगी जमात के एक मेंबर ने। फिलहाल जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस के चलते इस मेंबर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस खुलासे ने दिल्ली सरकार के साथ साथ शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि कहीं हम भी तो कोरोना से पीड़ित नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि तबलीगी जमात से जो भी लोग निकले हैं, परसों भी अजीत डोभाल पहुंचे, अजीत डोभाल ने तबलीगी जमात से जुड़े हुए लगभग 1500 लोगों को बाहर निकाला। इससे पहले भी मुल्ले मौलवी जो है वो इकट्ठा हुए थे तबलीगी जमात के लिए, लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको भी बाहर निकाला गया और देश के अलग अलग हिस्सों में ये गए हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये लोग गए हैं और जहाँ से भी ये मस्जिदों से या मदरसों से निकल रहे हैं तो ये कोरोना वायरस से पीड़ित बताए जा रहे हैं। और जाहिर मतलब जहालत ये कि कोरोना वायरस से एक तरफ जहाँ पीड़ित हैं, डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के निजामुद्दीन से इनको ले जाया जा रहा था, क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के दौरान दक्षिणी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन से क्वारंटाइन सेंटर जब लेकर जा रहे थे इनको, तो कई जमातियों ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की बल्कि वहां मौजूद लोगों पर ये लोग थूकने भी लगे। बताइए क्या कहा जाए।
मतलब ये थूक रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि संक्रमण के डर से लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल एक चिकित्सक का कहना यह था कि जब जमातियों को बस में ले जाया जा रहा था, उस समय ये लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस और मीडिया के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। इसके बाद ये लोग इधर उधर थूकने लगे। अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं माने। इतना ही नहीं, बस की खिड़की बंद करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फिर लोगों पर थूका, जिससे कि अन्य लोगों में संक्रमण फैल जाए। यानी कह सकते हैं ना कि ये पूरी पूरी सोची की समझी साजिश है भारत में कोरोना फैलाने की। यानी अब ये कोरोना बम बन चुके हैं और ये कोरोना बम थूक कर लोगों से मिलकर ये कोरोना फैलाने की पूरी पूरी साजिश है भारत में। तो ये तो थी दिल्ली की बात। उधर इंदौर की बता दूं, इंदौर में इन जायल गंवारों ने जो है महिला चिकित्सक वहां पहुंची थी इनको देखने के लिए, इनकी जांच करने के लिए इनके मोहल्ले में, लेकिन छतों पर पत्थर रखे गए थे, मस्जिदों पर पत्थर रखे गए थे और वहां से पत्थर फेंके गए डॉक्टरों के ऊपर, जो डॉक्टर और नर्स इस वक्त भगवान का स्वरूप हो चुके हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे, अपने मतलब अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे, वो हम लोगों के लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं और उन डॉक्टरों पर ये लोग पत्थर फेंकते हैं। इंदौर की घटना है, ये वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले में अब 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंदौर के DIG हरिनारायण मिश्रा ने बताया है कि टाट पट्टी बाखल एरिया में हुई घटना पर दोषियों को वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान कर ली गई है और मुख्य दोषी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा समेत धारा 186, 188 और 353 के तहत FIR दर्ज की गई है। मिश्रा का कहना है कि अन्य 10 दोषियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने कहा कि इंदौर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया में जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर भी साइबर सेल की नजर है। आपको बता दूं कि इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर इस वक्त एक ऐसा शहर हो चुका है जहां पर कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। राजस्थान का भीलवाड़ा जहां वुहान बनता जा रहा है भारत का, वहीं मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में इंदौर में इस वक्त हालात बेहद खराब है। और दूसरी तरफ इंदौर में जब जांचकर्मी जाते हैं, स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, महिला चिकित्सक जाती हैं, तो ये जायल गंवार जानवर उन पर पत्थर बरसाते हैं। मतलब क्या कहेंगे इसको, ये हद हो चुकी है। इनको देखते ही गोली मारने के आदेश दे देने चाहिए, क्योंकि ये अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं। अपनी तो इनकी जान रहे ना रहे, 72 हूरों के पास तुम्हारा तो कहा गया है ना कि 72 हूरों के पास निकल लेंगे, लेकिन इस पूरे देश को खतरे में क्यों डाल रहे हो। और अब सीधे सीधे जो बड़ा खुलासा हुआ है वो शाहीन बाग को लेकर हुआ है। शाहीन बाग में भी आपको याद होगा कि शाहीन बाग में भी ये 100 दिनों तक बैठे रहे थे, ड्रामा चल रहा था। बारिश पठान कह रहा था शाहीन बाग की शेरनियां हैं, लेकिन इन शेरनियों को तोड़ दिया गया और उठा दिया गया इनको, कोरोना वायरस जब फैल रहा था दिल्ली में तो उस वक्त इनको उठा दिया गया था। लेकिन अब इनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि सीधे सीधे तबलीगी जमात से जुड़े हुए मेंबर जो हैं वो 18 मार्च को शाहीनबाग गए थे। तो इस खुलासे ने जांच एजेंसियों समेत शाहीनबाग के जो प्रदर्शनकारी थे, जो ड्रामेबाज थे, उनकी नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस लगातार जो है शाहीनबाग में जो लोग गए थे उनकी भी जांच कर रही है, उनको भी पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है और इनकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तबली के जमात से जुड़े हुए जो वीडियोज, जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या इन खबरों को सुनकर, देखकर, इन वीडियोस को देखकर ये नहीं लगता है कि ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है? ये चलते फिरते कोरोना बम बन चुके हैं और जिस तरीके से ये लोग डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज ही मैं एक तस्वीर देख रहा था एक अस्पताल की, क्वारंटाइन के लिए इनको भेजा जाता है और वहां पर ये इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। अबे जाहिलो, मतलब क्वारंटाइन के लिए इसलिए भेजा गया है कि आप अलग अलग रहो, वहां नमाज मत अदा करने लग जाओ, और अगर नमाज अदा करनी है तो अलग बैठकर। लेकिन वो तस्वीरें आपको बता दूं कि कई लोग इकट्ठा हुए थे अस्पताल में ही,
और अस्पताल में ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं और निश्चित तौर पर इन इलाकों में जहां पर ये बदतमीजी कर रहे हैं सेना लगा देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।